आज सुबह हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। उनका एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को, वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी, उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सबके लिए दुखद घटना है। उनका अभी पोस्टमार्टम होगा। 12:30 बजे उनका शव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय 11 अशोक रोड पर अंत्य दर्शन के लिए रहेगा और उसके बाद में उनके जो लड़की, दामाद और परिवार के लोग हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर है, उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो यहां आएंगे और यहां से उनके शव को मराठवाड़ा में जो बीड क्षेत्र जिला है वहां परली करके जो गांव है उस गांव में उनको यहां से हम आज लेकर जाएंगे और कल उनका वही अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में घोषित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत बड़ा दुख है, दर्द है कि हमारे पार्टी के वो एक बहुत ही शीर्षस्थ नेता थे। महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में काम करने का हम सबको अवसर मिला और देश के विश्व में भी राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे मंत्री बने और आज इस प्रकार का हादसा जो हुआ है वो मुंडे परिवार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र के राजनीति में विशेष रूप से भी बहुत बड़ा धक्का है और इसलिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र में, देश में इस घटना से बहुत दुखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरी बातचीत हुई, उनको इसकी जानकारी दी है, वो भी अंत्य दर्शन करने के लिए कार्यालय में आएंगे और सभी हमारे मंत्री और ज्येष्ठ नेता यहां अंत्य दर्शन करेंगे और उसके बाद में यहां से लातूर एयरपोर्ट पर स्पेशल हवाई जहाज से उनकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे और वहां से परली करके जो गांव है बीड जिले में मराठवाड़ा में वहां उनका कल अंत्य संस्कार होगा। उसका समय हम बाद में आपको बताएंगे। ये एक्सीडेंट के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सबसे पहले डॉक्टर जी ने बताया और वो यहां पहुंचे। एक्सीडेंट होने के बाद में वो डायबिटिक पेशेंट थे पर उनको जो कार में गिरने के कारण जो चोट लगी, नायर करके उनके सिक्योरिटी वाले थे वो बता रहे हैं कि एकदम चोट आई और कार में गिर गए। उनके यहां उसका मार लगा, शरीर पर कोई जख्म नहीं है पर उनका हार्ट एकदम बंद पड़ा। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहुंचे, सभी डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर वो हार्ट फिर से शुरू नहीं हो सका और उसके बाद में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। वो पीछे में अकेले ही बैठे थे और नायर करके उनका सिक्योरिटी गार्ड केवल सामने बैठा था।